Hello everyone, now we are going to study about algebraic structure. यदि मैं कहूँ G star means multiplication एक algebraic structure है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि algebraic structure है. जो G यहाँ पर दिया गया है, G कैसा है? नॉन एम्पटी सेट. अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार मीन्स क्या है? मल्टीप्लीकेशन. मीन्स ये है बाइनरी ऑपरेशन. डेट मीन्स एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो होता है जब किसी नॉन एम्पटी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस को इंक्लूड किया जाए, हम कहेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है. अब क्वेश्चन ये है कि नॉन एम्पटी सेट मीन्स होता क्या है. सो नॉन एम्पटी सेट मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, वो एम्पटी नहीं होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि बाइनरी ऑपरेशन मीन्स क्या होता है. तो बाइनरी ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, हम एग्जाम्पल किसमें देखते हैं. जैसे हमने क्या, वन मल्टीप्लाई विथ टू, आउटपुट कितना आएगा हमारे पास में? टू. तो वन किससे बिलोंग करता है? जी से. टू किससे बिलोंग करता है? जी से. और जो इनका आउटपुट आया है टू, ये भी किससे बिलोंग करता है? जी से ही बिलोंग करता है. तो बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि जब जिस ग्रुप के उसके ऑपरेंड होते हैं उसका आउटपुट भी उसी ग्रुप का होना चाहिए, उसे कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन. अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वन प्लस टू इक्वल्स टू कितना आएगा? थ्री. वन जी से बिलोंग करता है, टू भी जी से बिलोंग करता है, और थ्री भी किससे बिलोंग करता है? जी से. तो प्लस भी यहाँ पर क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बाइनरी ऑपरेशन मीन्स होता है क्या. एलजेब्रिक स्ट्रक्चर के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एन और प्लस. यदि हम यहाँ पे एन देखें, एन मीन्स क्या? एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगाया हमने यहाँ पर? प्लस लगाया. ठीक, इसी तरीके से हम लोग ले सकते हैं आई प्लस. आई मीन्स इंटीजर सेट. आई माइनस करके भी एक एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन सकता है. अब ऐसा नहीं कि एलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं. मीन्स यदि हम यहाँ पर देखें, एक नॉन एम्पटी सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशन है. ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एलजेब्रिक स्ट्रक्चर का. अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एलजेब्रिक स्ट्रक्चर की. प्रॉपर्टी वन, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ. यदि एलजेब्रिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करते हो, एसोसिएटिव मींस क्या हो जाएंगे हम देखते हैं. जैसे मान लीजिए थ्री एलिमेंट्स हमारे पास में है, ए बी और सी. तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी. एसोसिएटिव लॉ जो सपोर्ट करने को होना. और कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होना चाहिए. यह है कम्यूटेटिव लॉ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सपोर्ट करने को होना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए. अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी मीन जैसे यहाँ पे ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू ई इंटू ए इक्वल्स टू ए. अब आप सोचेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मीन्स ई मीन्स क्या हो सकता है? तो ई मीन्स एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए ही मिलना चाहिए. हम लोग करके देखते हैं. जैसे हमने क्या लिखा था कि ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए. अब हम यहाँ पे एक सेट देखते हैं जी नाम का. जी में एलिमेंट्स कौन कौन से? वन है, टू है, थ्री है और फोर है. अब इस सेट के अंदर सोचिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा. इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वन. किस तरीके से हम देखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया टू इंटू ई की वैल्यू कितनी ली हमने? ई इक्वल्स टू वन. कितना आएगा? टू. हमने यहाँ पर ले लिया थ्री इंटू वन इक्वल्स टू कितना आएगा? टू. या फिर हमने ले लिया वन इंटू वन इक्वल्स टू कितना आएगा? वन. तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया इस केस में? ई हो गया. या तो हम टू इंटू वन करेंगे तब भी टू आएगा, या वन इंटू टू करिए तब भी कितना आएगा? टू. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें किस केस में क्या मिल गया? ई. अगर मान लीजिए बात एडिशन की होती, एक सेट है जी, अगर मैं एडिशन की बात करता हूँ तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? मीन्स ए प्लस ई इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? ए. ए ले लीजिए टू, ई को हमने ले लिया जीरो, कितना आ रहा है? टू. ए को ले लीजिए वन, ई को ले लीजिए जीरो, कितना आ रहा है? वन.
तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में कितना आ रहा है? जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, मीन्स इसमें हम किस तरीके से दिखाएंगे, ई इंटू ए इक्वल्स टू ए। एक होता है राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू ए। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ाई है, ए का मल्टीप्लाई कीजिए ए इन्वर्स के साथ, हमें कितना आता है, वन आता है। और वन मीन्स हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन आता है। ओके, तो इन्वर्स लॉ क्या बोलता है, अगर मान किसी एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन किया जाए और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, डेट मीन्स ए का इन्वर्स कौन हो गया, बी हो गया। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब बी के साथ ए का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो बी का इन्वर्स कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये कहलाता है इन्वर्स। अब हम लोग देखते हैं कैंसिलेशन लॉज मीन्स कितना क्या होता है। कैंसिलेशन लॉ दो तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब लेफ्ट कैंसिलेशन में क्या होता होगा, देखिए ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी। तो लेफ्ट कैंसिलेशन क्या बोलता है, जब भी हम लेफ्ट कैंसिलेशन यूज़ करते हैं तो लेफ्ट के दोनों एलिमेंट्स एक जैसे होना चाहिए, जो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इसे कहा जाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और जब हम लोग बात करते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ की, तो राइट कैंसिलेशन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया बी इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू ए, इस केस में क्या होगा, जो राइट के एलिमेंट से वो कैंसिल होते हैं, इसे कहा जाता है राइट कैंसिलेशन लॉ। ये था एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेमी ग्रुप के बारे में। थैंक यू।